हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे इंटरनेट स्पीड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं 6 डिफरेंट मोबाइल्स के बीच में। यहाँ पे हम Realme X, Redmi K20, Vivo Z1 Pro, Poco F1, Redmi Note 10 Pro और Realme 3 Pro के बीच में इंटरनेट स्पीड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। हम आपको यहाँ पे अलग अलग तरह से इंटरनेट स्पीड टेस्ट परफॉर्म करके दिखाएंगे और ये बताएंगे कि फाइनली हमें सबसे अच्छी इंटरनेट स्पीड कौन सा डिवाइस दे रहा है और सबसे खराब इंटरनेट स्पीड हमें कौन से डिवाइस में मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको X12 LTE मॉडम सपोर्ट से लेकर X20 LTE मॉडम सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि X12 LTE मॉडम आपको स्नैपड्रैगन 675 यानी Redmi Note 10 Pro में मिल रहा है, जबकि Realme X, Realme 3 Pro, Vivo Z1 Pro और Redmi K20 ये सारे डिवाइस में आपको X15 LTE मॉडम सपोर्ट मिल रहा है और Poco F1 एक लौता ऐसा डिवाइस था जिसमें आपको X20 LTE मॉडम सपोर्ट मिल रहा है। यानी कि स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो ज्यादा स्पीड हमें Poco F1 में मिलनी चाहिए, लेकिन ये स्पेसिफिकेशन की बात है। अब हम यहाँ पे रियल टाइम में टेस्ट परफॉर्म करके आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे किस तरह का इंटरनेट स्पीड का डिफरेंस है सारे डिवाइसों के बीच में। इसके बाद अगर हम यहाँ पे टेस्ट के बेसिक्स की बात करें तो हमने सारे डिवाइसों में जियो की सिम लगाई है जिसपे हाई स्पीड डेटा प्लान एक्टिवेट है। इसके साथ साथ सभी में हमने नेट वेलोसिटी ऐप का यूज किया, यानी कि स्टार्टिंग में हमने नेट वेलोसिटी ऐप का यूज किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैंड कनेक्ट हो रहा है वो बैंड 40 है। इसके साथ साथ जो इसकी फ्रिक्वेंसी है और PCI है वो भी एग्जैक्ट सिमिलर है, यानी 2300 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट होकर ये टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे थे। PCI सबकी 38 थी, उसके बाद हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं जो हमें इनिशियल रिजल्ट देखने को मिल रहा था उसमें डाउनलोड स्पीड कोई ज्यादा नहीं मिलती हुई नजर आ रही थी किसी भी डिवाइस में, यानी कि आप देख सकते 1 MB 2 MB के अप्रोक्स यहाँ पे वेरी कर रही थी। लेकिन अगर कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो हमें सबसे ज्यादा स्पीड K20 में देखने को मिली। सेकंड पोजीशन पे Poco F1 था, थर्ड पोजीशन पे था Realme X, फोर्थ पोजीशन पे था Vivo Z1 Pro, फिफ्थ पोजीशन पे था Redmi Note 10 Pro और लास्ट पोजीशन पे था Realme 3 Pro। तो ये टेस्ट हमने एक बार परफॉर्म नहीं किया, ये टेस्ट हमने बहुत ज्यादा बार परफॉर्म किया है। आप देख सकते हैं जितने भी बार हम परफॉर्म कर रहे थे उसमें हमें Realme X, Vivo Z1 Pro, Redmi Note 10 Pro, Realme 3 Pro ये सारे डिवाइसों का जो रिजल्ट था वो कुछ सेम मिलता हुआ नजर आ रहा था, यानी कि इनकी जो रैंक थी वो सेम थी। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा था, जिसमें आप देख सकते हैं Poco F1 को सिचुएशन में लीड कर रहा था, कुछ सिचुएशन में K20 Pro लीड कर रहा था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक हमें K20 और Poco F1 दोनों की स्पीड काफी अच्छी मिलती हुई नजर आ रही थी कंपैरिजन वाइज अदर डिवाइस के, और यहाँ Realme X और Vivo Z1 Pro भी काफी अच्छी तरह टक्कर दे रहे थे। लेकिन Redmi Note 10 Pro और Realme 3 Pro ये दोनों की स्पीड हमें काफी कम मिलती हुई नजर आ रही थी बचे हुए बाकी चारों डिवाइसों के मुकाबले। तो हमने इसे क्रॉस चेक करने के लिए प्ले स्टोर से एक गेम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की कोशिश करी। आप देख सकते हैं 100 MB प्लस का गेम है। उसके बाद हमने यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट कर दिया, यानी कि डाउनलोडिंग एग्जैक्ट सिमिलर टाइम पे स्टार्ट। तो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट देखने को मिला उसमें Vivo Z1 Pro ने स्टार्टिंग से ही लीड ले ली थी और इसने पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया गेम को। फिर सेकंड रैंक पर था K20, यानी कि सेकंड रैंक पर यहाँ पे भी K20 हमें देखने को मिला। थर्ड रैंक पर था Poco F1 और फोर्थ रैंक पर यहाँ पे था Realme X और फिफ्थ रैंक पर था Realme 3 Pro और लास्ट रैंक पर था इस बार Redmi Note 10 Pro। हमने टेस्ट और भी आगे परफॉर्म किया, आप देख सकते हैं और आगे परफॉर्म हम करते चले गए और हमें कुछ इसी तरह का रिजल्ट देखने को मिला, यानी कि कुछ सिचुएशन में Vivo Z1 Pro लीड पर था, कुछ सिचुएशन में Realme X लीड पर था, लेकिन जो सेकंड पोजीशन थी वो Redmi K20 की थी और थर्ड पोजीशन Poco F1 की ही हमें यहाँ मिलती हुई नजर आई। फर्स्ट पोजीशन के बीच में हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा था, जैसे कि Realme X की इससे पहले टेस्ट में फोर्थ पोजीशन थी, अब वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया और Vivo Z1 Pro यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे आ गया। उसके अलावा Redmi Note 10 Pro और Realme 3 Pro की हमें पोजीशन कुछ उसी तरह की देखने को मिल रही, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो प्ले स्टोर में अभी हम विनर डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ मिक्स रिजल्ट देखने को मिल रहा था। लेकिन इसके बाद हमने अपना फाइनल टेस्ट परफॉर्म किया जिसमें हमने सिर्फ चार डिवाइस लिए जिन चारों के बीच में टक्कर चल रही थी, यानी कि Redmi K20, Realme X, Vivo Z1 Pro और Poco F1, यानी कि ये चारों डिवाइसों के बीच में कांटे की टक्कर चल रही थी। तो हमने इन चारों डिवाइसों को लिया और ओखला में इस बार
ओखला का यूज करके हमने स्पीड टेस्ट परफॉर्म किया है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं सभी के हमने सर्वर सेम सिलेक्ट कर लिए, यानी कि ऑरेंज इन्फोटेक लिमिटेड सबसे पहले हमने ये वाला सर्वर सिलेक्ट किया, उसके बाद सभी की डाउनलोड और अपलोड स्पीड कैलकुलेट करी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड स्पीड में वीवो Z1 Pro लीड पर है, जबकि सेकंड रैंक पर है K20, जबकि अपलोड स्पीड पर क्लियर विनर है काफी ज्यादा मार्जिन से K20, जिसकी स्पीड 20 MB के ऊपर जा रही। ये टेस्ट हमने और भी बार परफॉर्म किया, हमें कुछ उसी तरह का रिजल्ट देखने को मिला। डाउनलोड स्पीड में इस बार पोको F1 आगे हो गया, लेकिन अपलोड स्पीड में K20 लीड पर था। तो कुछ इस तरह का रिजल्ट मिल रहा था, तो हमने यहाँ पे सर्वर को चेंज कर लिया। इस बार हमने जियो भोपाल का सर्वर सिलेक्ट किया सारे डिवाइसों में और फिर से टेस्ट स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चाहे वो डाउनलोड स्पीड हो या अपलोड स्पीड हो, काफी ज्यादा मार्जिन से K20 लीड पर है। यानी कि K20 में आप स्पीड देख सकते हैं 20 MB के क्रॉस जा रही है अपलोड की, और डाउनलोड की 10 MB के क्रॉस जा रही है। जबकि बाकी बची हुए डिवाइसों के कंपेयर में ये बहुत ज्यादा है। फिर हमने यहाँ पे जियो नागपुर सर्वर सिलेक्ट किया, यानी कि सर्वर को हम कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं, जिससे हमें एग्जैक्ट रिजल्ट पता चल जाए। तो आप देख सकते हैं जब जियो नागपुर हमने सिलेक्ट किया, तो इसके बाद भी हमें डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड K20 की काफी ज्यादा मिलती हुई नजर आ रही थी। खासतौर से अपलोड स्पीड तो 20 MB के नीचे आ ही नहीं रही थी, जबकि अदर डिवाइस यहाँ पे उतनी स्पीड शो नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से, सबसे पुअर स्पीड हमें रेडमी नोट 10 प्रो और रियलमी 3 प्रो में मिलती हुई नजर आ रही थी, जिसमें Redmi Note 10 Pro की डाउनलोड स्पीड उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। जबकि सबसे अच्छी स्पीड की अगर हम बात करें, तो सबसे अच्छी स्पीड हमें ओवरऑल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक K20 में दिखी, चाहे उसकी रैंकिंग सेकंड थी। और अगर हम यहाँ पे हमारे विनर की बात करें, तो हमारा जो विनर है वो है Redmi K20। Redmi K20 में हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्पीड मेंटेन लगी, यानी कि इसने स्टार्टिंग में फर्स्ट पोजीशन लाया, फिर सेकंड लाया, फर्स्ट लाया, सेकंड लाया, कुछ इसी तरह का फ्लक्चुएशन चल रहा था, और हमें काफी अच्छी स्पीड मिल रही थी, यानी कि कांस्टेंट स्पीड देखने को मिल रही है, ऐसा कोई मेजर फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन Vivo Z1 Pro में कुछ सिचुएशन में हमें लीड पर लगा, लेकिन कुछ सिचुएशन में फोर्थ रैंक पर आ रहा था। कुछ उसी तरह का रिजल्ट हमें Realme X में देखने को मिला, जबकि Poco F1 भी काफी हद तक एक कांस्टेंट स्पीड देता हुआ नजर आया, जिसमें इतना कोई फ्लक्चुएशन नहीं था। तो हमारे अगर टेस्ट की बात करें, तो हमारे टेस्ट का जो क्लियर विनर है वो है Redmi K20, और ओवरऑल सेकंड रैंक पर हमें Vivo Z1 Pro लगा, थर्ड रैंक पर Poco F1 लगा, फोर्थ रैंक पर Realme X लगा। लेकिन हम ये बोल सकते हैं इन चारों के बीच में काफी कांटे की टक्कर चल रही थी, इसलिए आप कमेंट करके ये बताएं आने वाले जो फ्लैगशिप मोबाइल का कंपैरिजन है, यानी कि इंटरनेट स्पीड का कंपैरिजन हम स्नैपड्रैगन 855 वाले मोबाइलों से करेंगे, तो आपको इनमें से कौन से डिवाइस का कंपैरिजन उनके साथ देखना है। हम सिर्फ इनमें से दो डिवाइस ले सकते हैं, इसलिए दो डिवाइस का आप कमेंट करके जरूर बताइए कि किन किन डिवाइस को हम यहाँ पे रखें, यानी किन किन डिवाइस का आप कंपैरिजन फ्लैगशिप लेवल वाले मोबाइलों के साथ देखना चाहते हैं इंटरनेट स्पीड का, कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ World।